हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, एयरपोर्ट के पास ही कस्टम ड्यूटी का ऑफिस है जहाँ पे हम अपने पार्सल को कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने इंडिया से कुछ दिनों पहले ही मंगाया था। मेरे पीछे ही आप कस्टम ऑफिस को देख सकते हो। इंडिया में काफ़ी कुरियर सर्विसेज है जहाँ से आप कुरियर कर सकते हो, लेकिन दोस्तों 1000 से लेके 1500 तक आपको पर केजी के चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप पोस्ट ऑफिस से कुरियर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे 250 अराउंड पर केजी के आपको चार्जेस में आप ऑलमोस्ट कई देशों तक आप भेज सकते हो। और पेंडेमिक के कारण कुछ कंट्रीज़ में वो लोग कुरियर नहीं करते थे, और उनमें से एक मोजाम्बिक भी था। और फिर मैंने दूसरा सॉल्यूशन ढूंढा, जलाराम कुरियर इंटरनेशनल सर्विस, जिसमें मैंने करीबन 600 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से चार्जेस पे किए हैं। आज तो मेरा कुछ काम हुआ नहीं, तो आगे वीडियो देखते रहिए पूरी डिटेल्स के लिए। आज है सेकेंड डे और मैं आज फिर से जा रहा हूँ वहाँ पे। मुझे बुलाया है कुरियर में, तो अब देखते हैं वो लोग बुला के क्या बोलते हैं। मे भी शायद वो लोग अब बताएंगे कि मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भरने हैं नहीं भरने हैं, जाके ही पता चलेगा। हालांकि मुझे बाइक पे जाना था, लेकिन काफ़ी बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। हालांकि मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए, मैंने शायद ही कभी पार्सल मंगाया है, लेकिन इस बार पार्सल मंगाने का जो रीज़न ऐसा हो गया कि यहाँ पे अभी बुक्स वगैरह के लिए जो बताया था ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास पर स्टूडेंट का कॉस्ट बताया था मुझे। तो मैंने सर्च किया इंडिया में क्या प्राइजेस मिल रही है, तो मुझे अंदाज़ा आया कि ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे मिल रही है। तो मैंने सोचा कि चलो अपन मंगा लेते हैं। मेरे दो बच्चे हैं और उनको 20,000 के अराउंड बुक्स की चार्जेस लगने वाली है, तो मैंने सोचा चलो इंडिया में अगर मेरा काम वो 6-7 हज़ार में या 8 हज़ार में हो रहा है, तो क्यों ना मंगाया जाए। और दूसरा रीज़न ये था कि मेरे रिलेटिव यहाँ पे आने वाले थे, इन्हें मेरे मम्मी पापा ने और बच्चों के नाना नानियों ने बच्चों के लिए कपड़े ले लिए, और साथ ही साथ मैंने ऑर्डर दे दिया स्कूल के बुक्स का, ये सब कुछ मैंने ले लिया था। ऑलमोस्ट एक बैग हो गया था। और आखिर में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जो आने वाले थे उनका कैंसिल हो गया, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है सब कुछ सामान अपन रिटर्न दे देते, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों के लिए गिफ्ट लिए है वो तो रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो सोचा चलो इस बार पार्सल ही मंगा लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा कितना चार्जेस लगते हैं, जो भी है वो एक्सपीरियंस कर लेंगे। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बाद में दोस्तों मुझे पार्सल तो मिल गया है। तो सबसे पहले ये बारिश और ये सारे प्रॉब्लम्स से निकलते घर पे निकलते हैं और आगे फिर वहाँ पे बात करते हैं। देखो भाई, ये अफ्रीका है और अफ्रीका में तो बिना पैसे की कोई काम होता नहीं है, और आपको जहाँ पे भी लगे वहाँ पे देना भी पड़ता है, नहीं दोगे तो परेशान होगे, और अगर दोगे बहुत घाई करोगे देने की तो प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। तो देख के नज़ाकत से देखना पड़ता है कैसे क्या करना है। हालांकि मेरा काम थोड़ा सा स्मूथ था, लेकिन फिर भी पहले तो मुझे चार्जेस देने पड़े जब जो लॉजिस्टिक करते हैं यूपीएस करके, जो ये लॉजिस्टिक वाले थे उन्होंने मेरे पास से 1500 मेडिकल्स लिए कि स्कैनिंग और ये वो, जो कि इंटरनल चार्जेस होते हैं। ये जो 1500 मेडिकल्स मैंने चार्ज भरे हैं वो बड़े पैकिंग के लिए होते हैं, और वो कस्टम वाले अगर आपको रुका देते हैं आपके पार्सल को तो आपको वो चार्जेस भरने पड़ते हैं। अगर आपका पार्सल छोटा सा है और कस्टम में नहीं स्टॉप होता है तो वो डायरेक्टली आपका वहाँ से निकल जाता है और आपके घर तक पहुँच जाता है, और 250-300 रुपये जो मिनिमम चार्जेस होते हैं वही पे करके आपको आपका पार्सल मिल जाता है। लेकिन मेरे केस में आप आगे देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बाहर से आती है तो उसको स्कैन किया जाता है, देखा जाता है क्या है क्या नहीं है, तो उस चीज़ों के चार्जेस उन्होंने ले लिए 1500 मेडिकल्स।
कस्टम का जो टैक्स होता है वो लोग भी वहाँ पे रहते हैं, वो लोग चेक करते हैं कि आप क्या लेके आए हो, तो हर एक चीज का उनका कोई परसेंटेज होता है, चार्जेस होते हैं, वो आपको भरने पड़ते हैं। तो अभी मेरी केस में मेरे पास में जो भी था, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कुछ ज्यादा बोलेंगे, पहली बार था कि आइडिया ज्यादा था नहीं, तो मैं जाके उनको पूछा तो उन्होंने पहले बताया नहीं ये होगा वो होगा, थोड़ा डराते हैं, तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगने लगा कि अभी क्या करेंगे। तो मैं बोला ठीक है हेल्प कर दो जो हेल्प हो सके। उन्होंने बोला मेरे को 10 दो, 10 यानी कि 10,000। तो फिर मैं बोला यार इतना तो मेरे पास में है नहीं, तो जो है वो बोलो आप क्या करने का है। फिर बोलते 7, फिर बोलते 5, फिर बोले आप जाके पहले वो भर के आओ फिर ये देखते। तो मैं फिर से ऊपर गया और फिर भर के वापिस नीचे आया, जो मैंने आपको बोला था 1500 वो भर के जब आया तब फिर से मेरे साथ में बात करना शुरू किया। फिर बोला चलो अंदर आप अपना बॉक्स खोलिए देखेंगे क्या है। तो मैंने बॉक्स खोला तो उसमें बुक्स थे और जो क्लोथ्स थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ उसमें हिलाया नहीं, थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे किया। तो बोले हाँ ठीक है ठीक है। फिर बातचीत करने लगे, अरे मैं बेंगलोर में था ये मतलब 2-3 महीने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया था, ऐसी सारी बातें की। तो मैं समझ गया अभी थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगा है। तो बाद में बोला कि ठीक है तो देख अभी क्या करने का है, जल्दी से सॉर्ट आउट कर, बहुत लोग आते बहुत कुछ हो जाता है। मैं बोला ठीक है। उसने बोला कि 5। मैं बोला 5 नहीं होगा भाई, मेरे पास में 1 है। फिर 1 का बोला कि ठीक है तो वो नहीं चलेगा, 2 दे दो। फिर मैंने 1.5 दे दिया, यानी टोटल 1,500 ये और 1,500 वो, 3,000 रुपया मेरे को इसका सब कुछ खर्चा लगा पार्सल निकालने के लिए। लेकिन ये मेरा केस था। कई बार ऐसा होता है कि वो कस्टम वाले देख के बोलेंगे नहीं, जो भी चार्जेस होंगे वो रियल भी हो सकते, मतलब रियली होंगे, और वो चार्जेस अगर आपको भरना पड़े तो काफ़ी कुछ ज़्यादा भी भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी पार्सल मंगाने की कहानी। और अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई नॉलेज मिला हो, कुछ भी प्यारा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोजाम्बिक के बारे में और काफ़ी कुछ वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।